अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक सबको। मैं आज जुमा का दिन है और मैंने आज एक लेडी का वीडियो देखा जो ये कह रही है कि मैंने कौम का नाम खराब किया। मैं हेल्प केयर फाउंडेशन चला रही हूँ, मैं लोगों की मदद करने का काम करती हूँ, लोगों के केसेस उनके हक के लिए लड़ती हूँ, तो मैं कौम का नाम खराब कर रही हूँ, ऐसा ये लेडी बोल रही है। कैन यू सी दिस लेडी? हम सब हमारे कौम के लोग परेशान हैं, हर मुसलमान बहुत परेशान। एक तो ये औरत, ये दो जना, ये औरत मुसलमान है नहीं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ट्रिपल तलाक वाला जो मसला चल रहा था, उसमें हिंदू औरतें बुरखा पहन के वो साइन लेने के लिए निकल रही थी। ये कुछ उसी किस्म का वाक्य लगता है, क्योंकि ये नो, जिस तरीके से इसने ये स्कार्फ पहना है ना, इस तरीके से इसने स्कार्फ पहना नहीं है, इसने अपने आप को छुपाया है। और पीछे का पर्दा देखो, पीछे का पर्दा देखो और इसका फेस देखो, शी इज नॉट वेयरिंग स्कार्फ। यूट्यूब पे आ गई, वो हाइड कर रही है, भाई रहने बोलते हैं कभी भाई। और इसने है ना, अब शब कहे हैं मेरे लिए, इसने कहा है कि मैंने कौम का नाम खराब किया। पहली बात तो मैं मेरी कौम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मैं इस चुड़ैल को ढूंढ के निकालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस औरत को जो भी जानता है, इसका पता बताने वाले को मैं 50,000 रुपया इनाम दूंगी। कॉम का नाम लेके जो इसने सब्जेक्ट पे बात की है, हमारी कॉम बॉलीवुड में काम करने के लिए नहीं बोलती है, ऐसा कोई भी काम नहीं करने के लिए बोलती है जहाँ पे माँ बहनों की इज्जत निकाली जाए। और मैं तुम लोगों को बताऊं, जो मैंने 2 दिन पहले ऐलान किया है कि मैं अब से कोई केस नहीं लूंगी, तो इससे जो पब्लिक का नुकसान हो रहा है, वो नुकसान आप लोग सुन सकते हैं। जो डेली मुझे कॉल्स आते हैं, मैं आपको 5 मिनट पहले का कॉल सुनाती हूँ। देर आर पीपल हु नीड कि कोई उनके हक के लिए लड़े, जिससे ना किसी और को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कॉल्स है ना, आप सुन सकते हैं, जहां पे लड़कियां फोन कर रही हैं, उनके ऊपर डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहा है और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप सुन सकते हैं, एक्चुअली मैं खुद अभी यूट्यूब पे ही देख रही थी आपका, वो सब कंट्रोवर्सी भी तब था। मुझे नंबर मिला एक्चुअली, क्योंकि मेरा अभी 2 दिन हुआ है, 7 तारीख को मेरी नोटिस आई है, तो अचानक ऐसा हुआ कि इंसिडेंटली मुझे आपका नंबर मिल गया। कोई भी और भी I'm so sorry, मैंने केस लड़ना छोड़ दिया। उसके बाद उस लड़की ने 10 फोन किए, मैंने काट दी गई। कल मेरे पास एक आदमी आया था जिसने बताया कि उसकी बीवी उसका सब कुछ लेके भाग गई है। ठीक है, वो आदमी आया था मानखुर से, मैंने उसको बड़ी इज्जत से पानी पिलाया और बोला भाई आप बैठो एंड प्लीज वॉट एवर यू वुड लाइक टू हैव, खाइए पिए और प्लीज चाहिए, क्योंकि मैं केस नहीं लड़ूंगी। और वहां पे ऐसा था कि एक मेल हैरेसमेंट केस था, जैसा फीमेल हैरेसमेंट केस होता है ना, वैसे मेल जो दूसरा कोई नहीं लड़ा। झूठ को मैंने एक्सपोज किया तो मेरा नाम हो गया बदनाम कि मैंने बिग बॉस से पैसे ले लिए, मैंने कलर्स चैनल से पैसे ले लिए, और ये जो कैरेक्टरलेस जो स्कार्फ पहन के बैठी है बोल रही है कि मुझे शर्म आनी चाहिए, इस चुड़ैल के बारे में मुझे जिसने बताया, ये हमारी कौम का नाम ये खराब कर रही है स्कार्फ पहन के। इस औरत ने खुद को छुपाने के लिए पीछे की चादर तो देखो। मैं ये भी बताती हूँ डंके की चोट पे, ये कौन से ग्रुप की होगी औरत, ये जुबैर खान की कोई दुश्मन नहीं है, ये पर्सनल मेरे दुश्मनों की लिस्ट में से है। ये औरत होगी पवई से गोरेगांव के बीच के सेक्टर की, और ये कौन से खानों के ग्रुप की औरत है मैं वो भी जानती हूँ, और मैं आपको वाइट 50,000 का चेक दे दूंगी। तो प्लीज इस औरत का पता बताकर मुझे थोड़ा सा आराम दीजिए, क्योंकि इस बच्चलन औरत ने मुझे बेशरम कहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, कौम के हक में काम करना किसको बोलते हैं, ऐसी बैठ के किसी के भी नाम को बदनाम करना, इसको कौम का काम नहीं बोलते हैं। जज़ाकअल्लाह।